Yesterday we discussed about the physical properties of the metals. Okay, now today we will discuss the physical properties of non-metals. Okay, we will discuss in a very quick way because these are the opposites of the physical properties of the metals. Physical properties of what are the physical properties of non-metal? Metal में हमने पहले क्या की थी? Malleability, right? So what are the non-metals? Can you give me one example of non-metal first? Carbon, कोयला. ठीक है, keep that in your mind and then you can write down the properties. Carbon को अगर हम रख रहे हैं तो physical property of carbon, what is? It is a brittle in nature. या नॉन मैलेबल, यू कैन राइट नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल. ठीक है, इनको क्लियर करने की जरूरत है. नॉन सोनरस, ठीक है, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. देन नॉन लस्ट्रस, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन मैं अभी लिखवा देती हूं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन होती है इसमें डायमंड, सॉरी कार्बन. कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, हम कार्बन रोड्स लगाते हैं. ठीक है, मैं एक्सेप्शन आपको अलग से लिखवा देती हूँ. और दे आर soft, they are they exist in the three states or form three states: solid, liquid, gas. Solid में carbon, liquid में bromine, gas में chlorine. ठीक है, तो they exist in the three states. ठीक है, हाँ जी ले लो medicine, जाओ. ठीक है, और they have low melting low boiling point. ठीक है जी, except diamond. ठीक है, और what we had done, density is low. Both that are the chemical, that is the chemical na, we will discuss in the chemical property. In the physical property but we will discuss. Kyun? Carbon, koila, that is in the solid form. It exists in the three states. Solid mein if I will say, then carbon. Liquid mein if I will say, that is bromine. And in the gases mein if I will say, that is the chlorine gas. Density is less strong. Aur koi soft, matlab brittle, that they can, when we will hammer it, it will break down. Ab likho exception, likh lo. एक बार में ना सारी एक्सेप्शन लिख लो. एक्सेप्शन में लिखो पहले. कंडक्टिविटी हेडिंग बना के लिख लो. एक्सेप्शन में हेडिंग बना के लिख लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री आयन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, बट एक्सेप्शन इज कार्बन. राइट डाउन एक्सेप्शन क्या है, नॉन मेटल्स लिख के कार्बन, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लस्टर आयोडीन, लस्टर मीन्स चमक. ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर डल. ठीक है, डल इन अपियरेंस, एक जैसे ग्रेफाइट वो हो गया सारे, ये कोल एंड ऑल दैट, एक्सेप्ट
आयोडीन, इसमें भी ऐसे ना एनएम लिख लो, नॉन मेटल. आयोडीन इज अ लस्ट्रस डायमंड भी यू कैन से, बट दैट इज एलोट्रॉपिक ना, वी कैन राइट. और कंडक्शन, लस्ट्रस, बॉइलिंग पॉइंट ले लो. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ऑल मेटल्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, बट उसके अलावा गैलियम एंड सीजियम. राइट डाउन मेटल्स पहले लिख लो, दोनों चीजों की जो एक्सेप्शन है वी आर डूइंग इट टूगेदर ना. मेटल्स में सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है. यहां पे लिखो मेल्ट एट आर बॉडी टेम्परेचर. गैलियम एंड सीजियम, ठीक है जी. और इसमें कोई है, एक मिनट, डायम नॉन मेटल्स में डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, और दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल अकर इन द अर्थ, ठीक है. सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, दैट इज यूज्ड फॉर बोरिंग इन द ड्रिलिंग मशीन्स आल्सो, फॉर बोरिंग पर्पसेस. जब हमने ड्रिलिंग करनी होती है तो उनके नाइव्स जो है, दीज आर मेड विद द हेल्प ऑफ द डायमंड्स आल्सो, ठीक है. अगला लस्ट्रस हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ले लो. क्या होंगे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में, मेटल्स ऊपर लिख दो. मेटल्स क्या है, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. लिखने क्या, डायमंड नॉन मेटल, बॉइलिंग ज्यादा होता है. What does it mean? All metals are solid. तो exceptions कर रहे हैं हम. Hardness, all metals are hard except sodium and potassium. They can cut with the knife. और सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये मेटल्स. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, कंडक्टिविटी में एक और रह गया हमारा. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट लेड, दैट इज द पुअर कंडक्टर. और ऑल, हाँ जी, हाँ, मर्करी वो लिक्विड स्टेट में. ऑल मेटल्स आर सॉलिड, फिजिकल स्टेट में लिख सकते हैं या सॉलिड में. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म. ग्रेफाइट दैट इज एक्चुअली ना कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, उसमें डिपेंड होता है कि बट विच फॉर्म वी आर यूजिंग, ठीक है. किसकी, बीच में लिख तो रही हूं मेटल्स के भी साथ में. लस्टर में, लस्टर में मेटल्स और शाइनी सरफेस होता है ना, तो उसमें कुछ नहीं है. हाँ, एक तो जो नॉन मेटल्स है दीज आर डल इन अपीयरेंस, बट आयोडीन इज द लस्ट्रस. मतलब जो किसी में थी मैंने वो साथ में लिखवा दी. और
बस यही है, मरकरी आपको पता ही है कि लिक्विड स्टेट। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दो करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, बस उनको पहले ध्यान से समझ लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, बच्चे जब भी आप लोगों के पास केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वर्ड आ जाता है ना, दैट मींस वी हैव टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, वी हैव टू रिएक्ट विद द वाटर, विद द एसिड्स, ये मेन हमारे टॉपिक होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, फर्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर और एयर या ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन they will form metallic oxide. Example, आपको reactivity series याद है सबको, ठीक है, उसी को ध्यान में रख के we have to write down or learn all the properties, the reactions with the air, with water, all these things on the basis of the reactivity series you can learn, ठीक है। जैसे जो हमारे पास है कैलरी नहीं कैल्शियम, these are the highly reactive, they can vigorously react with the air as well as the water. उसके नीचे कैलरी नहीं कैल्शियम मांगे तक हम लोग कैल्शियम तक चले, उसके बाद मैग्नीशियम से लेके बीच में जो है दे विल नॉट शो द रिएक्शन डायरेक्टली विद द एयर, विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, दे वी हैव टू हीट इट, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिएक्शन है विद, अगर हम उनके करें कि वॉटर के साथ करें, कैलरी नहीं कैल्शियम इमीजिएटली रिएक्ट विद द वॉटर, उसके बाद मैग्नीशियम जो नीचे आ जाते हैं मांगे, ठीक है, कैलरी नहीं कैल्शियम मांगे ऑल टाइम, एल्यूमिनियम जिंक आयरन दे विल रिएक्ट विद द हॉट वाटर, जिंक आयरन वाले जो है दे विल नॉट रिएक्ट विद द मतलब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो दे हैव टू रिएक्ट विद द स्टीम। उसके नीचे जो कॉपर के नीचे हाइड्रोजन के नीचे दे विल नॉट शो रिएक्शन विद द वाटर, इधर कोल्ड हॉट स्टीम किसी के साथ भी नहीं। व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेन यू विल रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन लर्न ऑल दिस पॉइंट। तो रिएक्शन विद, यहाँ पे मेटल ले लो सोडियम ऑक्सीजन, बट इट विल फॉर्म Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, ठीक है, BMO, यू कैन लर्न लाइक दिस BMO, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर फिर भी इसको भूल जाए ना याद रखने के लिए, मैं एक सिंपल सबसे चीज सिंपल वे बता रही हूँ, क्योंकि दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी यूज टू फॉरगेट, कि आंसर में कंफ्यूजन अराइज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज एसिड, सल्फर इज व्हाट, नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, ठीक है, तो वो एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है जी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। और रिएक्शन और कोई बता सकते हो, पोटाशियम रिएक्ट विद मैग्नीशियम MgO दैट विल फॉर्म, मैग्नीशियम रिएक्ट जो है, मैग्नीशियम पर जो है ना ये इमीडिएटली एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बट मैग्नीशियम विल नॉट शो द रिएक्शन विद द एयर, उसके लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पड़ता है। ऑल ऑफ यू हैड सीन इन द लैब आल्सो कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है दैट विल नॉट शो द रिएक्शन व्हेन वी विल कीप इट इन एयर, वी हैव टू हीट इट, उसको हमें हीट करना पड़ता है अगर उसका ऑक्साइड बना। क्लियर है, कोई है यहाँ पे डाउट तो पूछ लो, ठीक है, आगे लिखो फिर। इसके बाद लिखो सेकंड, लिखो
reaction with metals, react with water, they will form metal hydroxides. या मेटल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं बट मेटल हाइड्रोक्साइड्स. एग्जाम्पल क्या बनेगा? बोलो. इसमें मेटल ऑक्साइड्स भी बनते हैं. मेटल रिएक्ट विद द वॉटर फॉर मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मेटल ऑक्साइड्स ऑल्सो. एग्जाम्पल बता सकते हो? But it will form. ठीक है. These two, sodium hydroxide and potassium hydroxide, both are soluble in water. Like अगर हमने जो alkalis है, जो bases हैं, ये दो ही bases ऐसे हैं जो कि soluble होते हैं. ठीक है. और कोई example आपके mind में? अब फिर वहीं पे आ जाओ जो चीज मैंने अभी बोली है, रिएक्टिविटी सीरीज. सम ऑफ द मेटल्स दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. मैं बार बार ये चीज बोल रही हूं. इसमें से ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हैं, चाहे ऑक्सीजन है चाहे वाटर है. ये जो होते हैं दे विल शो द लेस रिएक्शन. ये जहां पे आ जाते हैं, नॉट विद द हॉट कोल्ड, सिर्फ स्टीम के साथ करते हैं. फिर इसके नीचे ये जो आ जाते हैं, दे विल नॉट शो रिएक्शन विद द वाटर किसी भी फॉर्म में. हाईली रिएक्टिव, दे कैन शो द रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर. व्हेन दे विल कम इन कॉन्टेक्ट, इमीडिएटली दे विल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड. यहां पे आके ये मेटल दोनों तरह से बिहेव कर जाते हैं, समटाइम हॉट वाटर. ठीक है. यहाँ पे ये जो जिंक, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक ले लो, ये जो जिंक से स्टार्ट है, दे विल रिएक्ट और दे विल शो द रिएक्शन विद द स्टीम ओनली, दे विल नॉट शो द रिएक्शन विद द कोल्ड और द हॉट वाटर. और जो हमारे जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑल दैट, हम गर्म पानी से भी नहाते हैं, ठंडे से भी नहा रहे हैं, ठीक है, स्टीम भी कई बार लेते हैं, तो दे विल नॉट शो रिएक्शन. So these are the least reactive metal. They will not show reaction with the hot water, with the cold water or the steam. Hydrogen is a non-metal. वो एक exception होती है बीच में. ठीक है, यहां तक ठीक है? कोई doubt है? Reactivity series के according है. ये will, ये दो, those मतलब ये ऐसे elements है, they will not show the reaction with the cold water. मैं कह तो रही हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज, वही तो हम बात कर रहे हैं कि कोल्ड के साथ दे विल नॉट शो ना, दे विल नॉट रिएक्ट विग्रेसली विद द कोल्ड वाटर. तो उसके लिए हमें गर्म करना पड़ेगा. हाँ, कैलरी नहीं कैल्शियम, दैट इज विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर. सो राइट डाउन, सोडियम वाला कर लिया आपने, ये कर लिया, कैल्शियम रिएक्ट विद, कैल्शियम भी पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा. देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, नहीं मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, दे विल शो द रिएक्शन विद द हॉट वाटर. याद रहेगा मैंने क्या बोला? रिएक्शन सारी सेम है, सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज को देखना. रिएक्शन सारी हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोलो, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ठीक है. यहाँ पे आपकी बुक में वन एक्टिविटी इज गिवन, ये जो जिंक वगैरह की है, वी विल टेक द जिंक लिया हमने, ये आयरन लिया, वी विल कीप इट ओवर इन अ टेस्ट ट्यूब, हम उसको आगे चल के रखते हैं. यहाँ पे अभी नहीं कराऊंगी मैं, सिर्फ बता रही हूँ कि एक एक्टिविटी, यहाँ पे हम लोग जिंक या आयरन रखते हैं, यहाँ पे हम स्टीम करवाते हैं, उसका जो स्टीम यानी कि जो गैस निकलती है, वो गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी और वो हमारे पास प्रोडक्ट बनाए. ठीक है, करेंगे एक्टिविटी. ओके है, ठीक है. चलो फिर अब इसमें है, अब करना है.
करवा दूं एक्टिविटी भी?